ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास काको बेगन न को लगे या कि प्रव आगे अरदास ज्ञान त्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सबते बड़ा सतगुरु नानक जल कल राखी मेरी कबीरा नुगरा ना मिले पापी मिले हजार एक नुगरे दे सीस ते लख पापी दा पार। परम सत्कार योग स्वामी जी महाराज और उन्हां दे चरणा चाई संगत नूं प्रार्थना है अपनी रचना पवित्र करो आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख जनों अज समा सानू बड़ी खुशी हुई असी पहले दिन काम करन दे समय ते स्वामी जी महाराज जी दे चरण परसे सत्संग विच विच आए ये सानू बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उही तीर्थी सिंह दा इतिहास असी अज रील विच भरना। संगतां नूं एक समय दी एक इतिहास की झलकी दिखाइए। अज तो 500 साल पहला मुगलिया खानदान का बादशाह अकबर दिल्ली के तख्त उत्ते बैठा सी और काफ़ी दिमाग वाला सी जिहदा बीरबल वजीर ते बादशाह अकबर दोनों एक जौहरी बच्चे हुए है। एक दिन बादशाह अकबर ने आम दरबार लाया। आम दरबार विच सारे लगे बीधे चंगे अफीसर आए कमांडर इन चीफ फौज दे जरनल आए इनू रह देण वाले 12 खोजे हुंदे गल दा खोज करके समझाउण वाले 12 खोजे आए और मुल्ला मुलाने 70 खान 72 अमराव बादशाह तखत ते बैठा है जिमें कोई रूहानियत का चंद चढ़िया पिया हुंदा। उन्हें चारे पासे जवाना ते नजर पाई रठौड़ बच्चे कोसिया विच बैठे अकबर बादशाह नूं ऐ नजर आउण जिमें तारियां दे विच चंद्रमा सज रहे ने। उन्होंने जिस तरह के तारियां दे विच चंद्रमा की सजावट है क्षत्रियों नूं वेख्या बादशाह कहिंदा जिहड़ा क्षत्री वंश है रठौड़ बच्चे ने ये बहुत एक अणखीले ते बहादुर जापदे ने पर जब मैं इन्हां दे पहले इतिहास पढ़दा वो बहुत गहरे है। मैं वेखा इन्हां हिंदुआं रठौड़ां विच क्षत्रियां विच पहला वाली करामात है या फना हो चुकी। उन्हें तखत ते एक आवाज दिता खान बहादुरों शाहूकारो अहलकारो क्षत्रियो मैं एक तुहानू सवाल करन लग्या उहदा जवाब दिओ। उहदे जनाब पुछो की सवाल है। वह कहना खास करके हिंदू खानदान च पहला जिमें बहादुर लोग सूरबीर क्षत्री धर्म करम वाले या लड़कियां सीता तारा अनसुया एहो जिया सतबंतियां सी इस हिंदू खानदान दे अंदर वो पहला वाली ताकत मैनू नजर नहीं आउंदी अलोप होई नजर आउंदी है। जे किसे विच खानदानी ताकत पहली है किसे मर्द या लड़की च उहदे धर्म पल्ले है ते अणखर मरक विच जीवन है दया धर्म दा पूरा है तो मैनू एक बंदा खड़ा होके कहो कि ए मैं सबूत दे सकदा पहला। पर आए वो सोच के शाही दरबार है सेंटर इंडिया दा ते सारे क्षत्री शाहूकार अहलकार नीवियां पाके बह गए बादशाह नूं जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया। थोड़ियां कुर्सियां छड़ के पिछे एक 9 कोटी मेवाड़ दा सरदार पृथ्वी सिंह जरनल बैठा सी ओ उत्थों खड़ा होके अगे आ गया बादशाह दे सामने आके नेड़े बह गया कुर्सी उत्ते
ते नेत्रा विच लाइट आ गई, रोम खड़े हो गए, उहदे उहनूं गुस्सा आया भई बादशाह साडी बेइज्जती करनी चाहुंदे। उह कहिंदा खड़ा होके कि बादशाह साहब हुक्म होवे तुहाडे सवाल दा जवाब देवां मैं। इन्ना कह के बह गया, मैनू ऑर्डर दिओ। जितने अहलकार सी, शाहूकार सी, खानदान सी, वह सब हैरान परेशान हो गए कि है कोई जौहरी बच्चा। शक्ल बहुत सोहनी, मस्तक बड़ा भाग वाला, शब्द बड़े ठोस, उहदी कुर्सी उत्ते बैठे की सिफत करी जाण लोक। कुर्सी ते बैठा बुके माई दा लाल जी, मथ्यों परसीना चुंदा बोलिया ना रूपाल जी, जिंदड़ी तर लई हथेली पर खोले सवहाल जी। बादशाह नू कहिंदा है राजन जरा मेरे वल देख, मैं जवाब दिना तेनू। हो जा जिस तरफ झाकना बिजली ज्यों खिंदा सी, पुत्तां दे बरम जिन्हां नू मृत्यु कर लिंदा सी, सतियां दे तोड़ सता नू पानी जा पिंदा सी, सुरती सतवंती दी नू सत जो न खेड़दा, लगदा नहीं भेत किसे नू पर करमा दे गेड़दा। इउं नहीं पता लग्या योधे नू मेरी किस्मत कुछ फिक्की भी पै रही है अज। पर सूरबीर सी, बादशाह नू कहिंदा जवाब देवां। अकबर कहिंदा हां बच्चे जनरल दे जवाब, पर शांति च होके, घबरा के ना जवाब दे। इंडिया का सेंटर है सोच के बोलनी। वादा हां हजूर सोच के बोलू। जे ता तैं मर्द वेखने है भाई मर्दां च किन्नी कु पावर है, ता मैं तेरे सामने खड़ा। अकल तो, दिमाग तो, करम धर्म तो, किसे तरीके नाल चाहे मैनू तक मैनू तोल, मैं की चीज हां। मेरा एक रोम झूठा सबूत कर दे, सिर लै ली मेरा। जे वेखनिया ने मेरे वतन दियां मटियारां नौजवाना भैणा, ता मेरे घर विच नजर पा। मेरे घर विच एक सिंघनी है, उहनू भी वेख सकदे। साडे दोनों विच एक कच्चा सबूत हो जाए ता सिर लै ली साडा तू। उहदी सिफत करदे की दसां, उहदी आरवला दी इस बरस दी उत्ते दिन बारां जी, जमण ना कर कर अंदर ओइयां जीआं नारां जी, गंगा जल चार चफेरियों जंगी तलवारां जी, डट के खड़ गई धर्म ते बाबल दी छोरी है, औरत सतबंती राजा मेरे कर गोरी है, औरत सतबंती राजा। आहा, उनू सिफता करके सुनाउंदा है की कहिंदा है, ओ आदा सिर तो ला पैरां तिकर चन्नण दी गेली है, गालब विच ढली मूरती गब्बे दी केली है, ऊखा या रती सती दी वो छोटी सहेली है, इंद्र दी पात्र नानो ज्यादा चलकोरी है, और तो सतबंती राजा पर मेरे कर गोरी है। होवे जे निगाह ओपरी खोटे नर होर दी, फनियर ज्यों डिगे उलट के ओ नरकां वल टोर दी। ऐ खड़ा आवाजा दी जावे, बादशाह दा हिरदा ठंडा ठार हो गया। बादशाह कहिंदा है, ए पिरथी सिंह जरनल जो कुछ कह रहा है ए बिल्कुल सच कह रहा है। उदियां आवाजा तो प्रतीत हो गया यदि कंडीशन डाउन नहीं, ये पूरा मर्द जोधा है। चलो इन्ना भी शुक्र, मेरी फौज का कमांडर इन चीफ है, मेरा बंदा है। यह जवाना दे हुंदे राजधानी का कोई खतरा नहीं। बादशाह खुश हो गया, एक आवाज दिता उन्हें, उन्हें की कहा, वादा जनरल इं सुन, तेरी तनखा अज तो ड्यूटी और तेरा रुतबा अगे, तैं मेरी शाही दी शान रख दित्ती। लोग कहेंगे बादशाह अकबर दे जमाने विच मर्दा ते मटियारा दे पल्ले धर्म करम हैगा सी, कलू दा जोर आउंदा जांदा, मेरी शाही दी शान रख दित्ती तू। जिहदे थापड़ा दिता ओ तो सीनियर जनरल शेर खां बैठा सी। बादशाह अकबर का रिश्तेदार सी साला, उहदा ओ मुसलमान खानदान दी तोहीन समझ के घबरा के कहिंदा, कहिंदा है अकबर आजम इस जवान दी ड्यूटी तनखा इहनू मानता तू सोच के नहीं दित्ती। ये हो सकता झूठ बोलता होवे,
ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਨਿਲ ਬਟਾ ਨਿਲ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਆਜ਼ਮ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘਣੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਊਂਗਾ, ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਏ ਦੋਨੋਂ ਜਨਰਲ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਕਰੋ ਬਈ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਭੇਤ ਲਵੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਸੋਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਇਹਦੀ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਰਤ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਧੜਕਣ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਧਰਮ ਕਰਮ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਸੋ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਦਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1200 ਜਵਾਨ ਦਿਓ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ 300,000 ਕੈਸ਼ ਦਿਓ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੂੰਦੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾਬਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੂੰਦੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਆਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਪਤੀਵਰਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਧੱਬਾ ਜਮਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ 7 ਤੋੜਾਂ ਤੜਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਮਾਨ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਜਦ 7 ਤੋੜਿਆ ਲਿਓ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਆਊਗੀ ਔਰ ਸਿਰ ਲਊਂਗਾ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਭੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਭੁੰਡਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੰਕਾਰ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਹੇ ਇਉਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਬਈ, ਹਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡੋਰੀ ਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾੜਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੜੇ ਚੜੇ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਪੂਰ ਪੂੰਡ ਨੀ ਬਣਦਾ ਲਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾੜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਨ ਤੇ ਜਨੂੰ ਜੱਟ ਮਿਆਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ 7 ਤੋੜਾ ਤੜਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਗਮਾਨ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਮਾਇਆ ਮੈਂ 7 ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਔਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜੇ ਮੋੜ ਕੇ। ਹੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਹਿੰਦ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ 7 ਤੋੜੂ ਤੜਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਰਾਜ ਗਮਾਨ ਕਰੇ। ਰੋਕਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਗੜ ਦੇਲੀ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਸਤਰ ਬਿਸ਼ਨ ਹਮਾਰੇ ਜਾਗੜ ਬੁੰਦੀ ਮੰਦਰ ਜੀ। ਹੱਥੀ ਸ਼ਾਮਾ ਹੋਣ ਕਿਰਨ ਮਈਆ ਤੁਰਕਾਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ 7 ਤੋੜਾ ਤੜਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਗਮਾਨ ਕਰੇ। ਲੈ 1200 ਜਵਾਨ ਮਸ਼ੇਰੇ ਚੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਜਣ ਵਰਦੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਹੈਂਟਰ ਫੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਹੋ ਤਾਂ ਬਣੇ ਕੁੱਲ ਰਜਪੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨ ਕਰੇ,
मैं सत तोड़ा तड़के पृथ्वीराज गमान करे रोजा बीबी गल का बूंदी खास रहन वाली ओदे पोच मकान शेर खा पेश करे डाली कड्डे तदरी मोहर मेज ते शेरू खान तरे मैं सत तोड़ू तड़के पृथ्वीराज गमान करे तीजे दिन बा पकड़ कंचनी अटकाउंदी चार शाम दे रिश्वत दे दसका दे नौंदी है इत्थे किस्मत लबनू आउंदे कंचन साफ बयान करे मैं सत तोड़ी सिंह गमान करे साफ करो इकबाल ख्याल कुछ औरत मारा है मुमकिन हो वै ना हो आखिर ग्रस्त नजारा है यार फुगुर दा जेला सरपट शल बखान करे मैं सत तोड़ा तड़के पृथ्वी सिंह गमान करे क्यों शेर खां हंकार दे बस होके 1200 जवान हाथी घोड़ा समान लेके विदा हो लिया किथे पहुंचया मंजिला मारदा जनरल पृथ्वी सिंह दे शहर विच जा पहुंचया शहर तो 3 मील दूर अपना कैंप ला लिया तंबू साहबान शौलदारियां हाथी घोड़े फौजी बगरेट इंतजाम करना शुरू कर दिता आप सोचदा इथों जनरल दा शहर पृथ्वी सिंह दा 3 मील है मैं कल्ला जाके कोई खबरसार लेके आवां पहले दिन घोड़े उत्ते सवार होया पृथ्वी सिंह दे शहर बूंदीगढ़ विच शेर खां उहदे सरकारी गौरमेंटी वर्दी नहीं सी सिविल वस्त्रा विच शहर दा सैर करदा है जे कोई बूंदीगढ़ दा रठौड़ क्षत्री मिले किसे नू पुछे क्यों ये शहर किड्डा क है इथों दे भाई खानदान किहो जे है उन्हां रठौड़ां दी आदत बड़ी तिखी थी स्पीट वाली ओ कोई जवाब ना देन उल्टा पुछण तेरा मतलब की है ओ भाई पुछण वालिया तू है कित्थों की याद है की पुछदा है तू शेर खान कहिंदा बंदा कोई काबू नहीं आउंदा नजरां विच शब्दां विच कोई बंदा झिपदा नहीं है जे वह पुछे क्यों बई पृथ्वी सिंह जनरल का शहर है ना यह आदि आहो भाई शहर यह है तू की चाहने तेरा मतलब की है शेर खान का दिल ना किसी नू कुछ कह देन नू पवे फिर उन्हें पुछया बई यूं दसो किसे एहो जे बंदे नू बई इस शहर दे विच कोई होशियार राग बोलन वाला या कोई ठग्गा ठोरी वाला किसे तो सराख लिया दस्या भी भाई एक बुढ़ी है इत्थे बहुत बड़ा ठग है उहदे दो नाम है रोजा बीबी ते सूआ पंखनी दो नाम है उस बुढ़ी दे वो ठगनी है ते बड़ी पापण है और बहुत होशियार है वो तो जो बंदा कोई कम लेना चाहे भले बुरे वो फतेह कर दिंदी है शेर खान कहना हाँ यही रस्ता ठीक आऊगा पुछ पुछा के उस रोजा बीबी ठगनी दे गेट अगे जा खड़ा बहुत चंगी कोठी सुंदर ते उहदे उत्ते नां लिखिया होया रोजा बीबी सूआ पंखनी वादा इहो ही है बुढ़ी अंदर चलिया गया आवाज दिता माई घर हो ते माता जी अगे कुर्सी उत्ते बैठे है और आसे पासे सेवादार भी हैं ते पूरे भाग दिमाग वाली बुढ़ी देखी शेर खां कहना हाँ हस्ती ठीक है कामयाब है माई पर इनू पहले जे आप गलती ना कोई शब्द पूछ लिया ऐसा ना हो फेल हो जाइए सिरां दी शर्त सी किहड़ा घट वध सी हुण दिल्ली विच तां शोक पै रहा सी सारे पासे हिंदुआं दे और मुसलमानां दे दिलां विच दीन मजहब दी इक ऐसी नुक्कड़ खड़ी होई अड्डो अड्डी शोर पै रहा सी दोनों पार्टियां च शेर खान नूं किहड़ा उत्थे माया चंगी लगदी सी उहने 101 सोने की मोहर अकबरी ਭਰਿੰਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ 101 ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲਾਮਾ ਅਲੈਕਮ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੋਹਰਾਂ 101 ਮੋਹਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ क्योंकि पता सी भी जे कम चलू इथों चलू 4 बजे ना आके फिर नीमी जी धौन करके माई नू नमस्कार करके
101 मोहर सोने की फिर रख दी। उ आवाज मुसलमानी दीन विच की कहिंदा है, माता जी सलाम अलैकुम। वादी वालेकुम पुत्र, कल भी तुसी आए सी काका, कोई मतलब है? वादा मां है कुछ, पर मैं सोच के दसू। फिर वापस हो गया। अर बुढ़ी जानगी भी मैं ठगनी हाँ, यह भी कोई बहुत बड़ा ठग है। आ जड़े पैसे देंदे मेरे तो कम करवाऊ, कोई कम हो सख्त। 200 मोहर बिने मतलब बिने पुछे धर दित्तियां मेज ते। गल खास है कोई, यह अज आउण दे नूं तीजे दिन वो बेसवा जिहड़ी सी गनकां वो तैयार हुई बैठी है, बई अज ज्यादा आऊगा गल्लां करांगे। इधरों शेर खान भी करना दिल करके गया, बई अज माई नाल दो गल्लां करनियां पैणगियां। उहने जाके 101 मोहर तीजे दिन मेज ते धरी ते चरणां वल हथ कीता और माई दे डोला फड़ लिया। काका ठहर जा, वादा मां पहले सलाम अलैकुम तो बुलाई नहीं, तू पहली पकड़ लिया मैनू। वो आदि होली सलाम अलैकुम कल वाली बहुत है, पर यूं दस काका तेरा मतलब की है? साफ करो इकबाल, ख्याल कुछ और तुम्हारा है, मुमकिन होवा ना हो ये तो ग्रिस्त नजारा है। काका इकबाल कर, गल्ला कर मेरे ना खड़के, तेरा मतलब की है? मैं ग्रिस्ता शर्म बिच हाँ, जो कम कहेंगा शायद ना पूरा हो सके, जरा सोच के दस तेरा मतलब की है। शेर खान ने धौन नीवी करके बराग विच नेत्रां च आंसू भी आ गए, कुछ गमां दा घबराया सी। चरण फड़ के कहिंदा, मां मैं फिर दसूं, पहला मैनू अपना पुत्र बना लै। वादी हां काका, चल तू पुत्र मैं मां, यह रिश्ता मैं प्रवान कर लैनी हाँ, पर दस तेरा मतलब की है? उन्हें फिर गल्लां खोलने शुरू कीतियां। ऐ माता जी, पृथ्वी सिंह जरनल नाल मेरी शर्त लग गई, या तो ओहदा सिर जाऊ या मेरा जाऊ। उहदी काका तू कौन है? कहिंदा मैं हाँ शेर खान जरनल बादशाह अकबर का रिश्तेदार, मैं मालिक हाँ दिल्ली का, पावर तो मां बहुत है, शर्तां गईयां लग। बई मैनू पृथ्वी सिंह दे मंदरां विच पहुंचा दे, मैं उहदे घरवाली का पर्दा साफ करन वास्ते अपनी लाली सिरा धड़ा दी शर्त उस माता नूं इक दे के ऐ अपने बयान चरण फड़ के कहिंदा, बई पृथ्वी सिंह दे मंदरां विच पहुंचा दे, भला वेखां वी हे इउं कहिंदा। हो फरदा चरण न माई के सीस ताई, फरदा चरण न मा के दे सीस ताई, मुखो बोलदा बोला प्यार दे दी। फरदा चरण ने वाई के सीस ताई, मुखो बोलदा बोल प्यार दे दी। नाता धर्म दा माता मैं पुत तेरा, नाता धर्म दा माता मैं पुत तेरा, शरण पैदा कार सुवार दे दी। ओ थैली सठ हजार दी नजर तेरी, थैली सठ हजार दी नजर तेरी, माया कट जे होर उचार दे दी। अकबर बादशाह दा रिश्ते दार हां मैं, शर्ता लगिया बिचे दारा बार दे दी। पृथ्वी सिंह रजपूत दे जे को रानी पृथ्वी सिंह रजपूत दे जे को रानी, कोले पहुंचना उस मटियार दे दी। जे ना गया रजपूत दे तौले रामे जेना गया रजपूत दे मंदरा में, कावर बिच हो दे तेरे बार दे जी। कोले औरतां दे जाना औरतां दा, कोले औरतां दे जाना औरतां दा, हिंदू एवें नी किसे नू मार दे जी। कहिंदी कंचनी सोच के बोल बेटा हो, कहिंदी कंचनी सोच के बोल बच्चे, मिले जन्म दा टैम गुजार दे दी। ओए औखा जान रजपूत दे तौले रामे मंदरा में, मंदरा में औखा जान रजपूत दे तौले रामे तेरे छिलड़नी पार उतार दे जी। ऐस तरत मैं बाड़ दे
बुरे हिंदू ऐस तरत में वार दे, बुरे हिंदू तनी सूर में तेज तलवार दे जी। ओ मच दे खंब पर खेरुआ जंदे आदे जंदे आदे जंदे आदे, मच दे खंब पर खेरुआ जंदे आदे सिद्धे नहीं ओडारियां मार दे जी। मुख रामा ये मानदा थम बीबी, मुख रामा ये मानदा थम बीबी, सुवता हुंदिया बिच सन सार दे जी। उन्हें आख्या माता जी नाता धर्म दा माता मैं पुत तेरा शरण पै नू पार उतार दे जी। ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਰਜਪੂਤ ਦੀ ਜੀ ਕੋ ਰਾਣੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਮਟਿਆਰ ਦੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਗਿਆ ਰਜਪੂਤ ਦੇ ਧੌਂਦਰਾਂ ਮੈਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਐ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦੇ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਧੌਂਦਰਾਂ ਦਾ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੇਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੌਲੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਨਾ ਧੌਲੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਈ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਧੌਲੇ ਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਾਕਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਮੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੱਚਦੇ ਖੰਭ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਦੀ ਕਾਕਾ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਛਿੱਲੜ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਮਾ ਅਕਬਰ ਸਮਝ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖ ਵੀ ਲੈ ਚਾਰਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਠੱਗੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੇਸ਼ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਦਨ ਦੇਖਾਂ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੱਗਾ ਠੋਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਦੇ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੀ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੁਲੀਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾਊਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਫੋਟੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਦਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਆ ਦਵੇਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਮਾਨ ਚੜ ਜੂ ਸਾਡੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੈਲੀ 60,000 ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ, ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਜੇ ਹੋਰ ਉਚਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਭਰ ਦੂੰ ਮਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਠੱਗਣੀ ਵਾਲੀ ਇਉਂ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਲਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਨਾਨਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਖਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਡੋਲਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਠੱਗਣੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਆ ਸੀ ਜੈਸਲਮੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਡੋਲੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਲਿਆ, ਭੂਆ ਬਣ ਕੇ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਾਂਦੀ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ, ਉਹ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈ, 5-7 ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਲੈ ਲਏ, ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਾਲੇ ਭੂਆ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਰਚ ਕੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੌਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਠੱਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੌਲਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਂਦੀ ਗੇਟ ਖੋਲੋ। ਆਵਾਜ਼ ਨਵੇਲੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਈ। ਉਹ ਆਦੀ ਬਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ, ਔਰ ਡੋਲਾ ਖੜਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ, ਗੇਟ ਖੋਲ, ਵੇਖ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਸ ਬੰਦ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਡੋਲੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੜਿਆ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਾਲੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆ ਗਏ।
बीबी ने उत्तों आवाज दिता जे भूआ जी आ गए लियाओ नमेले च शुक्रिया माता पिता बजुर्ग ए भगवान का स्वरूप होंगे आप पूजा करांगे पलंग बिछाए चंगे सजाए पुष्प खिलारे ते भूआ जी आ गए यो नहीं पता बे भगतां दे लाने नाल एक धोखा हो रहा है ठगी हो रही है भूआ जी ने नमस्कार की उन्हें हिंदू भाषा में बोल के श्लोक चरण जीव रहो ये आशीर्वाद दिते ते दोहां पासियां तो गल्लां बातां शुरू हो गई भूआ जी सुनाओ राजी हो वाली पुत्र बहुत ठीक मैं गंगा का इशनान कर जा रही सी ये रास्ते विच मेरे भतीजे सरदार पृथ्वी सिंह जरनल का शहर आ गया मैं वेखा मेरे माता पिता की कुटिया उन्होंने मंदिर बिल्डिंगा भी कहो जी वधिया फुलिया की हाल होया मेरा मन उछलिया पुत्र ने इस करके आ गई वाली भूआ जी थोड़ा घर है असी सेवादार हैं तुहाडे नौकर हैं तुहाडे बच्चे हैं तुहाडे बड़ी इज्जत की भूआ जी खाना खाओ वो भूआ आदि पुत्र खाना खाने का एक मेरा परन है गंगा जी जाके परन की समाप्ति करूं मेरा वर्त रख्या होया अठ पहर बाद भोजन छकदी हाँ वो भी तां छकदी हाँ एक कन्या कुमारी होवे वो मेरा इशनान करवावे मैं पंज गड़वे जल दे उहदे सिर च पावां गीता का शलोक बोल के वह मेरे सिर च पावे ते फिर मैं इशनान छकदी हाँ या कोई बंदगी वाली लड़की होवे जिदे हिरदे च राम रमिया होवे वो किरणमई सरदार पृथ्वी सिंह दे घर वाली कहिंदी है भूआ जी कन्या कुआरी तां कहो तां वह बुला दीए नहीं भूआ बंदगी का घर तो बहुत दूर है पर मैं भी दो टाइम थोड़े बहुते गीत महाराज के गा लैनी हाँ मैं भी ओदी उस्तत थोड़ी बहुती करती रहनी हाँ हुक्म होवे तां मैं इशनान करवा दे ओदी पुत्र तेरी तो बहुत नेकी सुनी दे तू ही इशनान करवा दे हो गया गुसलखाने च हाजिर की पता सी उस भगतनी नूं भी ठगी हो रही है ये सरदार पृथ्वी सिंह की मौत तैयार हो रही है तेरे सिर का सुहाग उठ रही है और हिंदुआ दियां कमाना थले सुट रही है कोई ज्ञान नहीं सी भगती वासी बंदगी का पुतला भागा की भरी हुई दुकान अपनी भूआ का इशनान करवाना शुरू कर दिता जब सिर तो वस्त्र परे किते उहदे केस लम्मे लम्मे टाण अंग्रेज की किताब दे विच लिखे है वह कहिंदा गोड्या तो थले तक वह लड़की दे केस सी होर पानी पाया सज्जे गोडे दे तीन इंच उत्ते एक दाग लसन काला जा नजर आया जिमें किसी रेशम के लच्छे उत्ते कोई मक्खी जी बैठी होवे ठगनी वाली आ चिन्ह बहुत एक नंबर है सज्जे गोडे तीन इंच उत्ते एक दाग काला होर जल लगी पाउण खब्बे पैर दियां छे उंगलां सी ओह नजर आ गईआं इत्थे कविता आउंदी आ वीरां दी धोखे विच लै लिया जनाना शेर दा महाराणा पृथ्वी सिंह जरनल दे घर वाली शेर दी सिंघनी एक रब की भगतनी उन्हां जालमां दे टाणे ने एक ठगी दे जाल विच लै ली इत्थे कविता आऊगी सुन्ना ही खजाना लुट लिया कबेर दा जिवें सुरगां दे कबेर भंडारी दे खजाने नूं पाड़ लग जे सुन्ना लुटिया जावे इस तरह हुशन दा समुंदर धर्म दा दरिया वो भागां वाली लड़की दे नाल ठगी हो रही है कविता सुनो वीरां तो हे इउं हो रही है हो सत संग बिचो लभी है कनारे नूं लभी है कनारे नूं चिड़का ना दे रब दे प्यारे नूं राम दे प्यारे नूं राणी दे शरीर चो निशान देख दी बई निशान देख दी तोई के मैं जांदी आ लिखाई लेख दी बई लिखाई लेख दी हो बाले नूं पता नहीं कोई एर फेरदा के सेर फेरदा ओखे बिच ले लिया जनाना शेर दा ओ जनाना शेर दा उन्हें पहला केस खोल के खलारे अंग ते बई खलारे अंग ते गन कान पूतली बगाही जंग ते हो बगाही जंग ते ओ सुन्ना ही खजाना लुट लिया कवेर दा लुटिया कवेर दा ओखे बिच ले लिया जनाना शेर दा ओ जनाना शेर दा ओते चादर बना ली सुंदरी ने केस दी सुंदरी ने केस दी पैर च दम दम कह दुने सदी दम कह दुने सदी हो मन मोर ताजा लम्मिया बखेरदा लम्मिया बखेरदा ओ तोखे विच ले लिया जनाना शेरदा ओ जनाना शेरदा ओदे खब्बे पैर छेमी सी उंगल मेल दी बई उंगल मेल दी ओदे उत्ते नीगा जाडगी बहेल दी जाडगी बहेल दी ओ लंगड़ी गाऊ नू जावे शेर केरदा जावे शेर केरदा तोखे विच ले लिया जनाना शेर काला तेल रत्तियों नरम लत्त ते बई नरम पट ते
मक्खी बैठी होवे जो प्याजी पट ते जो प्याजी पट ते पंजमें जो खंडा सी दवाल गिर ते बई दवाल गिर ते बेड़ी मेज तार डोरी तह के दीर ते डोरी तह के दीर ते पख पट चलिया पति दी मेरे दा पति दी मेरे दा तोखे में चले लिया जनन शेर दा ओ जनन शेर दा ते हतो ले दा दो लाही मंग दी दो लाही मंग दी लगन प्यारिया त्यारी गंग दी सी त्यारी गंग दी हो जीत सै नजारा गोरा दी मेहर दा गोरा दी मेहर दा तोखे में चले लिया जनन शेर दा ओ जनन शेर दा ठगी विचाई लड़की स्नान करवाई जांदी है तीन तां शरीर दे निशान वेख ले केस काला दाग खब्बे पैरों शांगी छे उंगला ओ तीन निशान बदन दे वेखे होर जल पाया ते कुछ ना दिसिया आखर नू ओ ठगनी ने कहा अच्छा पुत्र चलो स्नान हो गया बीबी पाओ वस्त्र बड़ा तेरा धन्यवाद भोजन छक लूंगी मैं तू दी रब दा रूप है वस्त्र पाने शुरू कर दिते की होया लड़की दी जेब विच इक रुमाल सी उहदे उत्ते दो फोटो सी अपनी हत्थां दी दस्तकारी दे कढे होए सज्जे पासे क्षत्री पृथ्वी सिंह दा फोटो सी ते खब्बे पासे उहदे चरणां च अपना फोटो सती दी पूजा वास्ते रुमाल रख्या सी पति नार दोहां दे फोटो ठगनी ने ओह रुमाल कढ लिया धीए आह जिहड़ा फोटोआं वाला रुमाल है पुत्रे मैनू दे दे तूं आहदी भूआ जी तुसीं की करोगे इहनूं ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਲਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਤੇ ਅੱਠ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਜੂਗਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਭੂਆ ਜੀ ਚਲੋ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਵੀ ਫੜਾਤਾ ਦੱਸਿਆ ਚੌਥੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਰੁਮਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜੀ ਨੇ ਚੰਨ ਨਾਲ ਜੀ जिथे जावे खुल कम की हनेर दा धोखे विच ले लिया जनाना शेर दा पंजवें खंडा सीगा दीवालगीर ते सीमेंट दी इक दीवालगीर दीवार दे नाल कांस भी कह दिंदे उहनूं उहदे उत्ते इक खंडा पिया सी इक दिन सरदार पृथ्वी सिंह जरनल नूं बादशाह अकबर ने इनाम दित्ता सी काबल दी जंग विचों क्योंकि उहदे उत्ते लिखिया सी जरनल पृथ्वी सिंह उह आदी धीए आ खंडा भी दे दे मैनूं मैं मेरे शहर विच विखाऊंगी भई मेरे भतीजे नूं अकबर आजम भारत दा मालक इहो जे इनाम दिंदा है साडी धीए कुछ इज्जत होजूगी रुमाल भी आजू खंडा भी आजू सारे अठ दिन दी बात है वाली अच्छा भूआ जी जे मैं जवाब देवां मैनूं शर्म आऊ लै जाओ कोई बात नहीं उन्हें सोचा भूआ जी ने माता समान ने चलो शब्द ना उलटाइए अच्छा भूआ जी लै जाओ रवानगी ले ली पुत्र बाट खोटी हुंदी है गंगा दूर है जाने विदाएगी दे दे नमस्कार कीती भूआ जी नू मंदरा जो थले उतारता विदा कर देता और ठगनी सिद्धी शेर खान दे तंबूआं नू चल पी जेड़े तीन मील शहर तो दूर कैंप लाया सी एक तंबू विच शेर खान बैठा सी ओ सोच रहा सी हो सकदा है माई उथों खाली आवे कोई निशान ना हथ आवे ऐ मना तू कसूता फस गया तेरी मौत आ गई मुरदार मूह ते फिर रही है सफेदी आ रही है गमां च डोबे खा रहे हैं ते ठगनी भी दूरे आउंदी है फिर गद गद होई क्योंकि उहदे निशान हथ आ गए सी उहने दूरों ही आवाज देना शुरू कर दिता ओ पुत्र शेर खान आओ जनरल शेर खान उदास क्यों है बच्चे तू शेर खान तो बोले मसा जावे मां थोड़ा जा बाका ही भैड़ा है मैं तां उदास हाँ हिंदू ते मुसलम की एक टक्कर होगी मां उस विचों मैं उदास हाँ वो आदी पुत्र ਲੈ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗਮ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਉਲਟੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਲਿਖ ਚੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਆਈ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਲਿਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਆਦੀ ਲਿਖ ਲੈ ਸੱਜੇ ਗੋਡਿਓ ਤਿੰਨ ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਹੈ ਕਾਲਾ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਛਾਂਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਚੱਕ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਫੜਾਤਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਆ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਐਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਢੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ
अकबर की दिती हुई यह तलवार खंडा और इसे जो सिरला उतारी उदा। शेर खान का चेहरा लाल हो गया, सुरखी दे डोरे आ गए नेत्रां च, मस्ती छा गई। ऐ मां बस मैं आया वापस मुड़ के, तेनू बड़ा इनाम दऊं। मां तां मैनू जीवन बख्श दिता। वादी पुत्र फिक्र ना कर, गम ना कर, जा विदा हो, तेरा रब राखा, कह के तोड़ दिता। छेवें दिन शेर खान का हाथी दिल्ली के नेड़े पहुंच गया। संदूरे हुए हाथी उत्ते बैठे, पिछे सारा लौ लश्कर आउंदा और शेर खान पूरा मशहर ता दी तुरै जांदा। अगे दोवें टक्करां, दिल्ली के हिंदू और मुसलमान। हिंदू कह लिया, दाता हे भगवान हे भगत बच्छल, तू साडी पत रखी। महाराज जो लड़की विच भी सत्या ते धर्म ना होवे, मेरे पातशाह तू तां भी कृपा करके बख्शिश कर दी, साडी ना बर्बादी कर दी। हिंदू लोग कमान उत्ते चढ़े खड़े है, राज मुगलां दा मालिक इह पातशाह, असी तां पहली पैरां च लताड़े होए आ, किते साडे जरनल दा सिर ना बढ़िया जावे, इह अरदासां करदे। मुसलमान कहिंदे असीं तां जीतां गई, साडी तां पावर है, उह हौसले च है। और जब शेर खान का हाथी आया, हिंदुओं ने मस्तक देखा, जीते ते हारे की रूह नहीं रलती, हिंदू घबरा गए। सिपाहियों ने पूछा, क्यों भी सिपाही हो, की देखा, बाका कुछ आया नजर? वो सिपाही इसे इस्लामी दीन दे बंदे सी, वो आदे केड़ा धर्म कर्म, फना होगी लड़की, शेर खान उन्होंने महिला च रह के आया, वह तो पूरी पापण है। हिंदुओं ने आ गल सुनी, बस गलिया च फिर टोलिया के टोले पुकारा पौनिया शुरू कर दतिया, एक तो अगे वो तो अगे, खबरां पलां च फैल गई दिल्ली के किनारे किनारे उत्ते। दस्या हिंदुओं के धा पिंजर मौत वर्गे इस तरह खबरां लगियां मिलन, सारे हिंदू आपस तो आवाजा देंदे, फलाना सिया भाई बर्बाद हो गए, मारे गए, शेर खान जित गया, अपना जनरल पृथ्वी सिंह हार गया, खबरां मिल गई। लो सुनो, इन्हें वीर की कविता दस रही है, भाई उस महाराणा पृथ्वी सिंह के सुनेहे घर घर मिले, हिंदुओं ने धर्म कर्म त्याग दिते, दुकाना सुनिया छड़ दतियां, बाजारों के माल बर्बाद हो रहा है। मटियारा नौजवाना सुहागणा ने डोरियां उतार के एक दुहाइया देन लगी, आओ मेरे पातशाह साडी पत रखनी सी, वेखा भला भी पुकार दिल्ली विच, हे इउं हुंदी सी। हस्ती जद शेर खान दा आया दरबार लवे, मरगट दे टंबू हो गए हिंदू नर नार लवे, राणी दा कहन सिपाही बाका बजार लवे, उदो ही फिरिया तारा खोलिया क्यों जार, मैनू राणी दे कोर चल जाए हार गी तार, मैनू देवा ने चंद चराता, करिए गल खूब चबर के चढ़ जाए समान दे, देवा ने बेड़ा पाता सूर में जवान दे, पैजूगी रात सवेरे हिंदू मुस्तान दे, कहंदे सी है पति बरता लालिया को शर्म नो, लड़की दे कोल जल जाए हार गी धर्म नो, लड़की ने दाग लवाता खोटी ला शर्त खड़ो गया भारत दा मोड़ जी, खोटी ला शर्त खड़ो गया हो भारत दा मोड़ जी, दुनिया सब त्योगी तेनू प्रभु हुण बोड़ जी, सपना हो सच खड़ो गया कीती सी चोड़ जी, चलांगे किवें सामने एहो जे बार, मनू राणी दे कोर चल जाए हार गी तार, मनू राणी ने दाग लगाता, हिंदू दी कुल जनानी है बैठी सिर खोले दी, गलियां बड़ बड़ रोंदे टोलिया दे टोले दी, मर्दा ने नेत्र भर के छन्या जो डोले दी, कर गए सब निजम अन्न दा त्याग ता कार, मनू राणी दे कोड़ चल जाए हार गी तार, मनू राणी ने दाग लबाता। अकबर दे होश बिगड़ गए किधर नू बात गई, सूरज चंद पुठे चढ़ गए दिन तो हो रात गई, गिद्दड़ दे हाथ किस तरह शेरां दी कात गई, बजर तो सख्त बनाता नरसल बंग नार, मनू राणी दे कोड़ चल जाए हार गी तार, मनू राणी दे कोड़ चल जाए। एक और बात है प्यार ना जाने नू, कोई भी सह ना सकदा पृथ्वी दे मरने नू, शेरू ने खत्म करो
ना कोई सके बराड़ा ए होजे मार मनो रानी दे कोल चल जाए हार गी तार मनो रानी दे कोल चल जाए। हाँ ते उस सरदार पृथ्वी सिंह जरनल दा सारे शहर विच अफसोस मनाया गया कि हुण साडा सरदार नहीं बचूगा। हिंदू कहिंदे ने असीं अपनियां केड़ियां अखां नाल जां सरदार दा सिर उतरूगा किवें वेखांगे। हिंदुआं दे चेहरे उड गए, नाले सोची जांदे आ करिए गल खूह विच वड़ के चढ़ जाए असमान ते बेवा ने बेड़ा पाता सूर ने जवान ते पै जूगी रात कल नूं हिंदू अस्थान ते। कहिंदे सी है पतिवरता ला लिया क्यों शर्म नूं लड़की दे कोड़ चल जाए हार गी धर्म नूं बर्बाद होगी। हिंदू दी कुल जनानी बैठी सिर खोले जी गलियां विच बड़बड़ रोंदे टोलियां दे टोले जी मर्दां ने भर ले नेत्र छन्या जों डोले जी कर गए सब निजम अन्न दा त्यागता करम नूं लड़की दे कोड़ चल जाए हार गी धर्म नूं करम धर्म सब ने त्याग दिता। अफसोस दी लहर फैल गई दिल्ली दे किनारे किनारे। शेर खान सीधा बादशाह अकबर दे दरबार नूं पहुंच गया। गेट ते जाके हाथी तो उतरिया बादशाह नूं जाके सलूट कीता अकबर आजम हाजिर मैं। बादशाह कहिंदा शेर खान अच्छा इउं कर ये है एक दीन मजहब दा झगड़ा गल कीती सी होर होगी होर मैनूं लोक आजम कहिंदे ने आजम दा खिताब जिहड़ा रब वांगू पूजदे ने बई मेरे नाम नूं दाग ना आ जे मैं इंसाफ तेरा सही सोच के करूं पर इउं कर वापस मुड़ जा कल नूं 8:15 ते 8:15 दरबार चालू हूं मेरा उस मौके आ जी जा अपने घर च लै जा। शेर खान वापस मुड़ गया और रात पै गई। हिंदुआं उत्ते दो रातां आ गईयां इक तां गमां दी इक कुदरती। खान पान त्यागे बेहोश होए चेहरे घबराए क्षत्रियां दी उदासी दी लहर फैली और मुसलमानां नूं खुशियां भी दिन चढ़ूगा आपन तां पर्दा साफ ही कर देना शेर खान धर्म बर्बाद करिया है लड़की दा आपन तां सिर वढ़ना है अगे नूं नहीं कोई हिंदू सर चकूगा इहनां दे अंदर खुशियां। बादशाह अकबर वह खुश नहीं सी। यह जिहड़ा इतिहास लिखे है एक टाल राजपूताना किताब है टाल अंग्रेज की लिखत है वह कहिंदा बादशाह हिंदू ते मुसलम नूं इक्को जे समझ रहा सी उस समय विच। उहने रात निकली तो 8 तो भी बल्कि कुछ टाइम पहला अकबर आजम अपनी गद्दी उत्ते आके बह गए। उहने दस्सिया नेत्र बंद कर ले सुरती अपने उस मौला नाल आई खुदा वाहिगुरु राम कृष्ण नाल आई मेरे मालिक मैनू दिल्ली का तख्त देण वाले इंसाफ बड़ा पहला है सच झूठ का फैसला तू करना होगा अपने मालिक नूं आवाजा दित्तियां ते शाम नूं ऑर्डर हो गया सी बई कल नूं आम दरबार है खास लगे विदे अफीसर नहीं आने जिहदा दिल चाहे सो आओ सब दुनिया दरबार विच आ उतरी। मुसलमान तां अपने चेहरे सवार सवार के पहले ही आके सज गए कुर्सियां उत्ते ते हिंदुआं नूं आने ही पिया ठोकरां खांदे गलियां कूचियां विच चेहरे मरझाए पिछे आ आ के दरबार च बैठी जांदे है सोचदे है अज जाना तां चंगा नहीं पर जाना पऊगा सरदार दा जो कुछ बुरा हाल जा भला होगा देखने पऊगा हो सकता है भगत बच्छल साडी किसे किनारे आके पत रख ही देवे अरदासां करदे पिछे बैठे है। बादशाह अकबर ने नेत्र खोले देखिया कि हां दरबार खूब जच गया उस्तत करके उस मालक दी फिर आवाज दिता वजीर बीरबल नूं कहा बीरबल हां जी इउं कर बई भेज खबरां पृथ्वी सिंह जरनल नूं लियाओ शेर खान तां पहली हाजर है सरदार नूं भी लेके आओ मूहों तुही फैसला होना चाहिए। पुलिसमैन तोरे गए शेर खान ने कहा मेरा मुर्दम हो चुकया नज़रबंद पिंजरे च है बेड़ियां हथकड़ियां लगियां ने उस हालत विच लेके आना मेरा मुर्दम है वह शेर नूं पिंजरे विचों कढ लिया हथकड़ियां ते बेड़ियां लग गईयां दरबार वल सीधा तोर लिया कहिंदे उस तरह मुशायरे नूं ता सुचाई च दिल ते शेर ज्यों गरजदे आउंदे कोई उदासी नहीं दरबार विच आ वड़िया आके अकबर नूं सलूट कीता ओदे दग दग कर देने तेरे मूरे केड़ा चाके जी
ਵਗ ਰਹੀ ਹੁਸ਼ਨ ਦੇ ਗੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਪੈਣ ਚਮਾਕੇ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਨੀਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਮਸਤਕ ਸਭ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਲਓ ਹੁਣ ਆ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਈ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਹੇ ਇਹੋ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ ਰੋਣਾ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸਭ ਨਗਮੇ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਹੋ ਬਿਨ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਖਿਜਾ ਪਾਸ ਦੇ ਚਮਨ ਬਹਾਰਾ ਦੇ ਬੋੜ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹੀ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾਈ ਖਾਤਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਬੈਠਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਮਨੋ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੱਤਰ ਖਾਨ ਬਹੱਤਰ ਅਮਰੋ ਖੋਜੇ ਬਾਰਾਂ ਜੀ ਹੋ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਕਰੇ ਦਲੀਲ ਦੇਖੀਏ ਨਿਉ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਦਾ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਗਈ ਨੀਚੇ ਨਰ ਦੀ ਡੇਰੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੜਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕੇਰੀ ਬਾਂਗ ਬੰਗਾਰ ਦਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਦਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦੇ ਨੇਤਰ ਮੂਰੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਕੇ ਜੀ ਹੋ ਬਗੇ ਹੁਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਪੈਣ ਚਮਾਕੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਦਮ ਚੁੱਗਿਆ ਮਸਤਕ ਸਭ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਬਟ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੁਲ ਗਏ ਕਹਿਰ ਕਮਾਣ ਤੇ ਬਈ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸਭ ਦੇ ਸੀਨੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਗਏ ਜੇ ਤੁਕੜਤਣ ਜੈਸੇ ਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦਾ ਬੰਸ ਜੱਗ ਚੋਂ ਜਾਊ ਕਾ ਤੋ ਨਾ ਹੋ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਤੜਫਾਤੀ ਓਤ ਕਹਾਊ ਕਾ ਤੋ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਰੱਖ ਬੰਸਰੀ ਬਾਲਿਓ ਰੱਖ ਬੰਸਰੀ ਬਾਲਿਆ ਹੋ ਰੱਖ ਬੰਸਰੀ ਬਾਲਿਓ ਬੂਟਾ ਏ ਕਚਨਾਰ ਦਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਜਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਦਾ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਹੋ ਮਿਸਲ ਸੁਚਾਈ ਬਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤਰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਰਜਪੂਤ ਜਗਤਨੀ ਨਾਮ ਚਤਾਰਦਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਦਾ ਕਿਰਨ ਮਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੋ ਕਿਰਨ ਮਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ੇਰੂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੀਜੇ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਕਾ ਏ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਬਰੀ ਵਿੱਚ ਨਮਾਤੀ ਆਗਿਆ ਅਬਦ ਪਪਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਕਦਮ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਦਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਉਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆ ਜੋ ਕਹਿਣੋਂ ਦੇਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਪਾਰ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚਤਾਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਦਾ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਣੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜੂਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੀ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਉਂ ਕਰ ਖਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੱਕਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਮਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਛੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਧਰਮ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ ਰੁਪਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਲਓ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਬੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਪੜਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਲਦਾ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਢਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ
मैं मुड़के जावा ओदे महला च मैनू प्यार सता रहा ओदी सिंगनी दा भला देखा है इउं आ दे ओ शेर खान बंगार दा शेर वांगू अखां देरिया मथा तंदूर कीता ओ शेर खान बंगार दा शेर वांगू अखां देरिया मथा तंदूर कीता ओ सत्र खान बहादुर अमरो खोजे मुसलमाना ने बड़ा गरूर कीता अकबर आखे दा शेर खां आखे सच्ची बूंदी घर में जिको दस्तूर कीता शेरू बोलदा तोलदा कुफर खड़के तड़का कारा जित जो दूर कीता कैसे खड़ी दे कैसे खड़ी दे पैरां दे हेठ आवे ऐसा प्रभु ने नूर जे हूर कीता खबे पैर दे बिच छे उंगला ने होर दसा की लटक लटूर कीता छोड़ के